अनोर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। नीतीश कुमार कल एक बैठक करते हैं, कुछ बैठक अपने मंत्रियों के साथ। ठीक उसके कुछ देर के बाद कई प्रशासनिक पदाधिकारियों का आईएएस और आईपीएस अफसर का तबादला करते हैं, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा है। जो कुछ नीतीश कुमार कुछ नया करने वाले हैं, कुछ मतलब कहें जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के अधिकारियों का तबादला, और चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए आरा और नवादा के एसपी को फिर से उन्हीं उसी जगह पर पोस्टिंग दी जाती है। आरा में प्रमोद कुमार यादव की पोस्टिंग की जाती है, और वहीं नवादा में अमरीश राहुल की पोस्टिंग की जाती है, जिसको चुनाव आयोग ने चुनाव कार्य में कोताही बरतने के आरोप में हटा दिया था। वहीं सबसे बड़ा अगर कहें आईएएस का ट्रांसफ़र, तो के पाठक को शिक्षा विभाग से हटा करके राजस्व भूमि सुधार विभाग में भेजा गया है, और एस सिद्धार्थ अभी शिक्षा विभाग का कामकाज देखते ही रहेंगे। वहीं कहें जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग में भेज दिया गया है। वित्त विभाग के सचिव संसाधन लोकेश कुमार अगले आदेश तक संपूर्ण वित्त विभाग का जिम्मा देखेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज पाल ग्रामीण विकास विभाग के साथ बियाडा के प्रभार में रहेंगे। राजकुमार फिर से आरा और आशुतोष कुमार वर्मा नवादा के डीएम होंगे। आरा के डीएम महेंद्र कुमार बिजली कंपनी के एमडी बने। यहीं खेल एवं राज्य जल विद्युत निगम ब्रेडा निदेशक बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी को भी एमडी बनाया गया है। नवादा के डीएम प्रशांत कुमार सीएच के समाज कल्याण विभाग के निदेशक बनाए गए हैं। वहीं कहे जो अरविंद चौधरी को गृह विभाग का सचिव बना दिया गया है। तो इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से अचानक जो कल देर शाम इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, उसको लेकर के प्रशासनिक हलकों में और राजनीतिक हलकों में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। जो आखिर नीतीश कुमार अचानक से पिछले 24 घंटे में बहुत ही तेज़ी से बैठ के कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, और आज एक कैबिनेट की भी अहम बैठक है 4:30 बजे मुख्य सचिवालय में। कहें जो कैबिनेट में बहुत तरह के निर्णय लिए जाने की संभावना है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसमें नौकरी का पिटारा खुल सकता है, राजस्व भूमि विभाग का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, शिक्षा विभाग का। कहें जो बहुत सारा कैबिनेट, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 1.25 लाख शिक्षकों की नौकरी को लेकर के जिस तरह चुनाव प्रचार किया, तो ये अब ये सरकार अपने हिसाब से फिर से नौकरी का पिटारा खोल के ये लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देने की योजना भी ला सकती है। कैबिनेट में अब देखना है शाम में, तो कैबिनेट में किस किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने 9 मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को कुछ खास निर्देश दिए। उस निर्देश के अनुपालन करने के लिए उन्होंने समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। उन्होंने एक तरह से कहें जो 7 निश्चय 2 के तहत जो भी बचे हुए काम है उसको पूरा करने के निर्देश दिए। हर घर नल का जल का को बेहतर ढंग से, इसका अनुरक्षण ठीक से हो, उसके लिए निर्देश दिए। सभी जगह पेयजल की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने के निश्चय दिए। हर खेत सिंचाई का पानी योजना जल्द लागू करने के लिए, स्मार्ट मीटर का काम, कृषि फीडर का काम तेज़ी से हो, समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता और पूरी पारदर्शिता से काम करें, खिलाड़ियों को पंचायत स्तर तक सुविधा मिले, इस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने कल के एक कहें जो इमरजेंसी जो उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की थी कैबिनेट से पहले की बैठक, इसमें इस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। अब ये देखना है जो ये दिशा निर्देश कितने दिनों में पूरा होता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अपने समय से पूर्व मुख्यमंत्री करा सकते हैं। तो हो सकता है इन्हीं सब का को लेकर के इस तरह की बैठकों का दौर जारी है, लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मंत्रियों के साथ बैठक, कैबिनेट की बैठक। तो एक तरह से कहें जो अब नीतीश कुमार कुछ नया करके बिहार को देना चाहते हैं, और उसके बाद लोगों के बीच में विधानसभा चुनाव में जा सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।